हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस होता क्या, पहले हम समझेंगे ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस दो पार्ट में मिलकर बना है, ग्लाइको यानी ग्लूकोज, लिसिस का मतलब होता है ग्लूकोज को तोड़ना, ही ग्लाइकोलिसिस कहलाता है, या ग्लूकोज का टूटना ही ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, ग्लाइको मींस ग्लूकोज प्लस लिसिस, लिसिस मींस टू ब्रेक डाउन। ग्लूकोज का तोड़ना ही, ग्लूकोज को तोड़ना ही ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। हम इसे पहले पढ़ें, ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं करता है, या एक मॉलिक्यूल कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन होते हैं। यहां पर एक ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस कराने पर पाइरूविक एसिड में टूटता है। पाइरूविक एसिड जो 3 कार्बन कंपाउंड है और 2 मॉलिक्यूल। फिर पाइरूविक एसिड को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर एसिटिल कोएंजाइम बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम जो कि ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैब साइकिल के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। अब एसिटिल कोएंजाइम को यहां पर क्रैब साइकिल आगे इसके बाद कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब होगा क्रैब साइकिल का, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल प्लस कुछ ऊष्मा बाहर होगी यानी रिलीज होगी। अब इसके बाद पाइरूविक एसिड को हम जब ऑक्सीजन के ऑप्शन में क्रिया कराएंगे तो इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। यहां पर इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन यानी हाई ऑक्स इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में रिलीज होंगे। जो यहां पर इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो एथिल अल्कोहल प्लस लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा में टूटेगा। अब यहां पर ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस के प्रेजेंस में जब तोड़ेंगे हम तो पाइरूविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड जो कि 2 मॉलिक्यूल है। अब इसके बाद ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में चलता है, यह ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं करता है, इसके बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन नहीं होता है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन नहीं होगा। ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमएफ पथ कहते हैं, ईएमएफ इम्बडेन मेहरोफ पारनास। सभी चरणों में एंजाइम प्रयुक्त होकर एक्सेप्ट एक को छोड़कर बाकी सभी चरणों में एंजाइम का उपयोग होगा। सभी चरण उत्क्रमणीय होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल यानी लेकिन ग्लाइकोलिसिस में 1/3 एंड 10 स्टेप को अनुत्क्रमणीय होते हैं, ये रिवर्सिबल। यहां पर एटीपी का शुद्ध लाभ होता है, एटीपी का शुद्ध लाभ 2 एटीपी। एटीपी का कुल लाभ 8 ATP और इसमें 2 NAD PH2 का निर्माण होता है, डिहाइड्रोज कराने पर। अब हम यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस की साइकिल बनाएंगे, और हाँ ये स्पाइरेशन